अमृतसर के फतेहगढ़ सुकर चक के हुई मौतों तो बाद पिंड वासियों के वलों दूषित पानी नूं जिम्मेवार ठहराया गया सी, पर हुण इस बखदे मामले दे विचकार SDO दा बयान सामने आया। SDO ने दस्सिया है कि पिछले दिनी पिंड दे विच एक मेला लगाया गया सी जिथे कि वड्डी गिनती दे विच लोकां ने शिरकत कीती सी। हो सकदा है कि मेले दे दौरान गलत पानी या खाण पीन कारण लोक बीमार हो गए होण, ते दो मौतां दे संबंध दे विच उन्होंने कहा कि वह लोग पहला ही बीमारी चल रहे सन, अते जो दो लड़कियां दी मौत हुई है उन्हां दे घर पानी दी सप्लाई ही नहीं जांदी है। इस तों इलावा बीमार पैन तो बाद ठीक हुए लोगों का कहना है कि वह पानी नाल बीमार नहीं हुए ने। मैम जड़िया पिंड के चार मौत हुई ने, कहा जा रहा है कि डायरिया के कारण हुई ने, गंदे पानी के मिक्स होने करके हुई ने। नहीं सर, ये पानी का तो कोई इशू नहीं आ, क्योंकि वैदर इदा का चलता आ रहा है और लोग जोड़े और डायरिया करके डिहाइड्रेशन वगैरह जिस वॉमिटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ये पानी का तो कोई इशू नहीं है। वो पहले ही ऑलरेडी बीमार चलते आ रहे थे कुछ जिन्हें जिड़े जिंदियाँ दो मौत हुई ने। एक मैम जी 7 साल की बच्ची की मौत हुई, एक 17 साल की बच्ची की मौत हुई है, ये बारे की? नहीं सर, वो पानी का कोई कंसर्न नहीं है। 7 साल की बच्ची जी सी घर से सरकारी सप्लाई का पानी आ ही नहीं रहा, कनैक्शन ही नहीं है सरकारी, और इस करके उन्होंने पानी ना असं जोड़ के नहीं वेख सकते, वो ऑलरेडी बीमार चलती आ रही थी। SDM साहब ने कल क्या सीगा जो इतने पत्रकार गलबात हुई तो क्या जो पानी के सैंपल ने पीने वाले पानी के सैंपल वो जो फेल हुए हैं वो बारे की? नहीं सर, फिर तो एक बार साड़ी बहुत ही रिस्पेक्टेड साहबान SDM साहब विजिट करके गए सी, और फिर तो एक बार सैंपलिंग ली गई है लोगों के घर तो भी, अलग अलग सैंपलिंग ली गई है जी कि 72 घंटे के अंदर अंदर वो रिपोर्ट मिल जाएगी, और पानी का ऐसा कोई इशू नहीं है। जोड़े बजुर्ग ने वो तो 80+ एज के सन, वो पहले ही क्रॉनिक इल गए थे, उन्होंने घर साडा वाटर सप्लाई का कनैक्शन नहीं सीगा, उन लागले ट्यूबवैलों तो यूज़ किया जा रहा है पानी, तो वह पहले ही ऑलरेडी इल है बीमार सन जी। इस तो अलावा जी गुड़िया की बच्चे डैथ हुई है, वो डैथ में उन्होंने एक सांझी जगह पर एक प्राइवेट ट्यूबवैल तो पानी वरत रहे सन, उत्थे साड़ी मतलब वाटर सप्लाई पाइप भी अवेलेबिलिटी नहीं हैगी, उत्थे मौके साड़ी पाइपलाइन नहीं हैगी, तो वह बच्ची भी चलो जिन्हें दसिया इन्होंने टट्टियां उल्टियां कारण मतलब डैथ हुई है, लेकिन वो उत्थे क्योंकि मतलब शुद्ध पानी क्योंकि साड़ा अवेलेबल नहीं सी हैगा इलाक जाके। इस तो अलावा जी तीजी है जो बच्ची 16.5 साल की वो आइलेट सेंटर से जो वापस आई तो पिता जी ने क्लीयर कट गया सारे SDM साहब के सामने गया कि ये मतलब ये आप मतलब ये पानी मैं सब तो ज़्यादा पीता है, तो मैं मेरे परिवार सारे लग जाकर पानी पी रहे, पानी का कोई दोष नहीं है। वो जो आई है उन्होंने कोई प्रॉब्लम आई, उन्होंने मुश्किल आई कोई, जिद कारण वो थोड़े चिर पिछले उन दवाई दवाई गई, तो उस पिछले एकदम वो हाथ पैर जिम्मे दसिया कि मतलब मुड़े ने, तो उस थोड़ी देर पिछले जो हॉस्पिटल खड़ लगे उनकी डैथ हो गई बच्ची। हाँ जी बापा जी, की नाम है जी? मेरा नाम नरवैर सिंह है जी। कितों के वासी है जी? मैं पिंड फतेहगढ़ सुकर चक तहसील जिला अमृतसर तो जी। सर तुम बीमार हुए सी, ते रीजन की सी जी बीमार होने का? दसाया जा रहा है कि गंदे पानी के नाल सब कुछ हो रहा है। नहीं एह जी गल नहीं, मैं बीमार जरूर होया सी लेकिन पानी ना नहीं होया जी, कोई अपने ही। हाँ जी रीजन की सी? रीजन वेखो जी, साढ़े पिंड सालाना जोड़ मेला सी जिदे अही मेला वेखण गए सी, ठीक है ना, उतो कोई गलती कोई वस्तु खाधी गई पानी ज हो वगैरह खाण पीण दी चीज़ा जिहड़ियां रेहड़ियां लगियां सी, गोल गप्पे वगैरह होर कुछ ठंडिया चीज़ा ही उत्थे लगियां ही खाण वास्ते, तो हो सकता अं कि माड़े थां मतलब माड़ी चीज़ खा ली हो, लंगर भी और भी बाहरों भी लंगर आउंदा इत्थे पक के, तो पता नहीं हुण किहो जी चीज़ मतलब जहरीली पै गई जां की हो गया, कुछ लोग इस करके बीमार है। पानी तो कोई प्रॉब्लम नहीं इत्थे सर जी।